हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो ब्लॉग है ये मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ और काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग डाल रही हूँ। आजकल मेरे जो ब्लॉग्स हैं वो ऐसे ही आ रहे हैं, जैसे 3 दिन 4 दिन 5 दिन के गैप पे आ रहे हैं। शाम का टाइम हो चुका था और कुछ नाश्ते में खाना था स्पर्श को, तो बस मैं यहाँ पे देखिए ब्रेड निकाली हूँ। और ब्रेड को तो पहले मैं सोची किसी तरीके से नाइफ़ की हेल्प से हैंड पे ही कट कर लूँ, बट ये टेढ़ा मेढ़ा हो ही गया। जब टेढ़ा मेढ़ा हो गया ना, तब जाके मैं अब इसको सही कर रही हूँ। तो अब चाकू से तो बहुत अच्छे से कटता ही है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो चाकू से हाथ पे रख के काट लेती हूँ, बट वो हुआ नहीं, फिर मुझे वहीं करना पड़ा। एंड शाम के लिए कुछ बना रही हूँ और दूसरी साइड में पानी गर्म कर रही हूँ। और बस अभी ना आज का मौसम बाहर थोड़ा सा ठंडा लग रहा था। 4 बजे लगी है भूख, स्पॉन्ज इतना ज्यादा रो रहा था कि बस उसके लिए कुछ ना कुछ मुझे बनाना पड़ा। तो ब्रेड था, ब्रेड ये वाला मैं कल शाम से ही लेके आई थी शॉप से, और एग था, एग महीनों दिन बाद मैं बना रही हूँ। ये लाए थी 3-4 दिन पहले, बहुत ही कम मैं खाती हूँ एग भी। और ये रेसिपी मैं तब बनाती थी जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 क्लास में ऐसे, और हमें कुछ भी बनाने नहीं आता था। और जब हम लोग पिकनिक मनाते थे ना सब लोग मिलके 1 जनवरी को, तब ये ब्रेड और एग वाला हम बनाते थे। उस टाइम पे बस हमें यही बनाने आता था और कुछ भी बनाने नहीं आता था रेसिपी वगैरह में। तो ये उस टाइम की रेसिपी है, बहुत जब भी मैं बनाती हूँ मुझे बहुत याद आता है वो टाइम कि हम लोग कुछ नहीं आते, छत पे लेके चले जाते थे गैस चूल्हा, वहीं पे बैठ के पिकनिक मनाया और यही बनाते थे, या फिर ब्रेड रोल बना लेंगे, या फिर ये दो रेसिपी ना बचपन की रेसिपी है, तो बचपन के दिन याद आ जाते हैं मुझे। तो बस यहाँ पे देखिए तैयार हो चुका है और दूसरा वाला भी पक रहा है, तो इतना मैंने निकाल लिया। कल का कुछ सामान आया हुआ था जो किचन में ही पड़ा हुआ था, ये था पेस्ट। तो ये पेस्ट फर्स्ट टाइम आया हुआ है कोलगेट का, तो इसको मैं इसका रैपर निकाल के और मैं इसको डालती स्टैंड में, जो स्टैंड क्या वो जो भी रखा रहता है ब्रश लगाने के लिए, ब्रश और पेस्ट रखने के लिए। क्योंकि स्पर्श कहाँ गए, आ जाओ बना दिया आपके लिए, ये बैग यहाँ रखा है, आ जाओ देखो क्या बना के लाई हूँ। तो स्पर्श और मेरा ये जो शाम का नाश्ता है ये हो गया है तैयार, देख सकते हैं। और ये जब आएंगे तब इनको मैं बना के दे दूंगी। स्पर्श खाओ, देखो मम्मा क्या बनाई आपके लिए, ब्रेड बनाई ना, तो बैठ के खाओ। गाइज यहाँ पे मैं लग गई हूँ थोड़े से काम में अपने, और मैं यहाँ पे निकाली हूँ अपना मेकअप बॉक्स, जिसमें मेकअप का कुछ सामान नहीं है, बस नेकलेस वगैरह होता है ना वो सारे हैं। और बहुत दिनों बाद कुछ मुझे दिखा जो मेरी चीज़ें खो गई थी। एंड यहाँ पे क्या है ना, मुझे इस कबर्ड को ठीक करना है, तो मुझे तो एक ब्लैंकेट भी रखना है, साथ ही साथ सारा ही ये मैश हो गया था, तो ये सब कुछ मैं करूँगी ठीक। और नीचे वाले में तो मैं ज़्यादातर बर्तन रखती हूँ, और बीच वाले में जो भी एक्स्ट्रा सामान रहता है, इसके ऊपर वाले में स्पर्श के कपड़े और न्यूज़पेपर वगैरह रहते हैं, उसके बुक्स रहते हैं, तो ऐसे ही ये है। लेकिन सारा बिखरा हुआ है, काफ़ी टाइम से मैंने ठीक नहीं किया था। और मैंने यहाँ पे टोस्टर भी अपना यहीं पे रख दिया, क्योंकि किचन में फिर कभी कभी ना निकाल देती हूँ, लेकिन ज़्यादा सामान हो जाता है तो कुछ दिन के लिए फिर रख भी देती हूँ। तो यहाँ ब्लैंकेट को एक मैंने बांध के रख दिया, अगर वॉश करना होगा, अभी नहीं वॉश करेंगे, थोड़ा सा और मौसम सही हो जाए फिर वॉश करेंगे, तब निकाल के मैं इसको वॉश कर दूँगी। तो बस देखिए किस तरीके से अभी कर दी हूँ मैं, करते जा रही हूँ। और उसके बाद ना यहाँ पर साइड में ये था जो हम नीचे बिछाते हैं सर्दियों में, तो इसको भी मैं एक रख दे रही हूँ, और एक अभी ऊपर है। तो इन सब चीज़ों को मैं यहीं पे रखा करती हूँ कि जब भी अगर ज़रूरत हो ना तो इजिली मैं निकाल लूँ और बिछा दूँ। और साइड में अभी बोतल का पूरा झोला ही रखा हुआ है, मतलब जितना गर्मियों में हम बोतल वगैरह यूज़ करते हैं या फिर बाहर लेके जाने के लिए अलग से है, तो वो सारे ना मैं झोले में करके और बांध के रख देती हूँ, ताकि इकट्ठे मिल जाए मुझे जब भी मुझे निकालना हो। और ये मेरा कैप, और जो समर में हम कहीं घूमने जाते हैं तो लगा के जाते हैं, स्पर्श का और ये मेरा, और ये भी काफ़ी टाइम का हो गया है। मैं एक बार मथुरा गई थी ना, वहाँ से ली थी। देखिए किस तरीके से मैंने सारा कुछ कर दिया अरेंज। और ये झोला है जिसमें मैंने रखा है ढेर सारा बोतल, तो इसमें स्टील वाला भी जो बोतल है गर्मियों वाले वो सब भी इसमें है, प्लास्टिक वाले भी हैं। तो वो ये हो गया था शाम का टाइम भाई। होली लगा के, मैं तो होली नहीं खेलूंगी। क्यों नहीं खेलूंगी? मेरी तबीयत ठीक नहीं। ठीक हो जाएगा सर। कैंची से सीधे सीधे काट दीजिए उसको, बांधना होगा तो बांधना होगा, दूसरे रस्सी से बंधा जाएगा।
मैं तो बस खोल के देख ली कैसा है, इसमें ही मेरा रहता है। उसके बाद क्या है ये? क्या करेंगे? साथ ये भी दिया हुआ है पंप टाइप। हाँ, तो देखे ही नहीं ना बिना पंप और नहीं, लेकिन कुछ नहीं लगा। वो प्लास्टिक है ना, हल्का सा है। लेकिन थोड़ा बड़ा रहना चाहिए। हाँ, नहीं तो है, इतना ही तो है। एंड गाइज, ये हो गया है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम। मैं लेके आई हूँ अभी पानी डालने के लिए प्लांट्स में, और सुबह सुबह का टाइम था। आज तो संडे को ऐसा ही होता है कि थोड़ा लेट उठते हैं। और जो कल ना पाइप आया हुआ था, जो हमने इधर से ना है, मतलब बहुत टाइम से सोच रहे थे, बहुत टाइम से सोचा हुआ काम ना अब जाके हुआ। क्योंकि ना जब भी कार वॉश करना रहता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी नीचे, या तो नीचे से पाइप मांगो या फिर खुद बकेट लेके जाओ, बकेट में पानी भर के तब वॉश करो। तो मैंने सोचा ना कि चलो एक पाइप भी आ जाता है तो फिर उससे ना प्लांट्स या फिर बाहर हमें ब्लैंकेट्स वगैरह भी धोने, क्योंकि बाहर ना टैप नहीं है। अगर टैप रहता तो बहुत ईजी हो जाता, बट यही चीज़ नहीं है हमारे पास। बाहर हमने बोला भी था टैप लगवाने के लिए, बट अभी तक तो लगा नहीं है। तो फिर हमने सोचा चलो अपना ऑप्शन निकाल लेते हैं, बाद में जब लगेगा तब लगेगा। तो बस यही वाला ये पाइप आया है। होता है ना कि जब टाइम आता है जो चीज़ का तब भी होता है। धनिया है, वो फ्लावर आ गया, उसमें धनिया भी आ गया है। ये देखिए, ये धनिया भी छोटे छोटे। इतने से क्या होगा ये डालने से? कुछ बढ़ता भी तो नहीं है। हाँ, अभी ना, अब अच्छा होगा, सारे प्लांट्स अच्छे होंगे। अब वो तो लहसुन है, उसमें से कुछ यूज ही नहीं होगा। नहीं, पानी डालो तो फिर नहीं सूखेगा। अभी इस ये मौसम ठीक है प्लांट्स के लिए। इसमें डालने की कोई जरूरत नहीं है। और अभी दोपहर के टाइम में मैं भी नहा धो के आई थी बाहर। आज थोड़ी सी धूप में बैठी ताकि बाल मेरा सूख जाए। और ऐसे नेचुरली बाल सुखाना और हेयर ड्रायर से सुखाने में काफ़ी डिफरेंट होता है। मैं कुछ टाइम पहले सुखाती थी हेयर ड्रायर से, क्योंकि ज़्यादा सर्दी थी। अभी मैं थोड़ी देर धूप में बैठ जाती हूँ, सूख जाता है आराम से। और ये इस तरह की सुखाने में ना एक अलग सी ही शाइन आती है हेयर में, और बाल उलझते भी नहीं है। सो मैं यहाँ पर बैठे बैठे भी कॉम कर ले रही हूँ, और थोड़ा सा ना मुझे फीवर जैसा फील हो रहा था। एंड ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं, बैटरी में वो करना था इन्वर्टर वाले में पानी क्या, इसमें जो भी डालते हैं ना पानी हम लोग उसको बोलते हैं, तो वो उसको डालना था। तो यहाँ खोलने के लिए इन्होंने मांगा था पहले ग्लव्स मांगा, मिला नहीं, मैंने पॉलिथीन दे दिया। अभी पानी तो कम हुआ नहीं है। वो ग्लव्स के बदले ना, जो ग्लव्स आता है ना बर्तन वॉश करने के लिए, वो मैंने इनको दे दिया अभी। और बस कपड़े भी इधर लगाई थी वॉश करने के लिए, वो भी अभी सूख चुके हैं, तो उसको भी मैं बकेट में निकाल के साइड में कर देती हूँ, बाद में बाहर डाल दूंगी। बस ये 5 लीटर वाला बोतल था। इतना में होगा? नहीं, उसमें से उसमें क्यों ट्रांसफर कर?
उसके बाद आज इनको ज़्यादा काम था क्योंकि घर पे थे ये, तो हैंड वॉश बना रहे थे। आजकल तो ड्राई वाला ही ज़्यादा आता है ना, तो ड्राई वाले में से थोड़ा सा लिक्विड थोड़ा पानी डाल के और वो फिर बन जाता है, लिक्विड फॉर्म में हैंड वॉश बन जाता है। तो वही ये बना रहे थे और मैं यहाँ बैठी थी, स्पर्श देखिए पीछे खड़ा है अभी। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ बैठ गए थे फ्रूट्स खाने के लिए, ग्रेप्स लेके आए ढेर सारा, बाउल में वॉश करके और उसी में लेते आए। तो अभी हम लोग खा रहे हैं और स्पर्श भी खा रहा है, और कई बार तो खट्टे भी निकल जाते, कई बार मीठे निकलते थे। टाइम जैसे हुआ ना ये बोलते हैं शारिका पोहा बनाओ, तो बस मैं आ गई पोहा बनाने के लिए। और मेरा मन तो नहीं था लेकिन बनाना था, तो मैं एकदम अपने लिए थोड़ा सा बना रही हूँ, बाकी इनके लिए ज़्यादा बना रही हूँ। तो पोहा मेरा बन चुका है, यम्मी सा पोहा बना है, बस इसमें मैंने मूँगफली नहीं डाला। ये आके ना अभी मूँगफली के लिए मूँगफली नहीं डाली, लेकिन अब तो बन चुका था, मैं इसमें मटर डाली हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मूँगफली को स्किप कर देते हैं, अगर मटर नहीं होता है तो मूँगफली डालना तो ज़रूरी होता ही है। तो अभी बन चुका है, बस मुझे इसको प्लेट में निकाल के इन लोगों को सर्व करना है। और हाँ, मैंने नींबू नहीं डाला, नींबू नहीं था इस टाइम पे मेरे पास, बट हाँ शुगर थोड़ा सा डाली थी, बहुत ही ज़्यादा यमी बना था। थोड़ा सा पोहा मसाला डाल दी थी, पोहा मसाला डालो तो पोहा का टेस्ट ही अलग हो जाता है। सो यहाँ पे अभी बनके रेडी हो चुका है और मैं प्लेट्स में निकाल दे रही हूँ इनके लिए और स्पर्श के लिए, और मैं एकदम थोड़ा सा खाऊंगी। इन्होंने बोला भी मुझे कि इतना थोड़ा सा क्या होगा, ये भूख ही नहीं लगी है, अच्छे से अगर भूख लगी तो मैं खुद खा लेती। और स्पर्श को भी पोहा बहुत ज़्यादा पसंद है, वो ना अगर उसको भूख लगे ना कभी तो बोलता है कि मम्मा पोहा, तो पोहा का मतलब उसको बहुत पसंद है। कोई मतलब बच्चों को होता है कि कोई कोई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। एंड यहाँ पे इसके ऊपर से थोड़ा सा मैं सेव वाला नमकीन डाल दे रही हूँ और मैं बस दे रही हूँ। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में।